हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो अभी थोड़े टाइम के लिए मैं पंजाब गई थी, तो पंजाब से मैंने शॉपिंग नहीं करी है। यस, क्योंकि मुझे इतने सारे गिफ्ट मिल गए तो कोई भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं हमेशा सोच के जाती हूँ कि मैं शॉपिंग करूँगी, और जब भी ऐसे होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत शॉपिंग करूँगी, तब शॉपिंग बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। चलो, इट वॉज़ इन अ गुड वे, क्योंकि मुझे गिफ्ट पहले मिल गया। मम्मी के घर जब जाती हूँ तो मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ लेके भेजती हैं, और इस बार तो मेरा ब्रदर कैनेडा से आया हुआ है, तो वो लेके आया गिफ्ट्स काफ़ी सारे मेरे लिए, तो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। बट सबसे पहले जो मैंने एक दो चीज़ खुद के लिए बहुत छोटी छोटी ली है वो दिखाती हूँ। तो और ऑल्सो पंजाब के बाद मैं दिल्ली गई थी, सरोजनी नगर गई थी, बट वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करी है, वो मैं अलग हॉल में शेयर करूँगी जल्दी ही। तो सबसे पहले जो मैंने पंजाब से लिया वो है ये प्राइमर। किस ब्यूटी का ये प्राइमर है, ये था 150 का, और मेरे पास एस्टेलॉडर का प्राइमर मैं यूज़ कर रही थी। तो मैं बहुत कम प्राइमर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। तो ये लेके आई हूँ, ये 150 का था। नेक्स्ट ये चोकर, जब ये प्राइमर ले रही थी तो उसी शॉप पे ये चोकर था। आई थिंक दिस इज़ डिसेंट कि इंडियन वेयर के साथ भी अच्छा लगेगा। तो ये है 15 रुपीज़ का, 15 रुपये का था ये, तो मैंने ले लिया। और उसके बाद मैंने जो खुद लिया है वो था ये इयररिंग्स, पंजाबी ज्वेलरी। तो ये इयररिंग्स है, इसके साथ में मांग टीका भी है। तो ये नॉर्मली बहुत कॉमन है पंजाब में, तो हर जगह ये आपको मिल जाती है ज्वेलरी। तो ये मैंने ली थी अराउंड 150 रुपीज़ में, 150 में मैंने भी ली थी और भाभी ने भी ली थी, तो हम दोनों ने सेम ऐसा लिया था। उसके बाद मैंने लिया है अपने लिए एक सूट, ये ऑफ वाइट कलर का है, सिंपल मैंने स्टिच करवाया है इसको, प्लेन है ये, ये प्रिंट है, आई कॉन्ट रिमेम्बर द फैब्रिक का नाम क्या है। तो ये है, इसके साथ प्लाजो बनवाया है मैंने, और लॉन्ग कमीज़ है ये। ये मैंने इसलिए बनवाया है क्योंकि ये जो दुपट्टा है ये मेरी मम्मी का था, उनकी शादी के टाइम से पड़ा हुआ था, और आजकल ये ट्रेंड में ही है, तो ये काफ़ी अच्छा है, इस पर ये वर्क है। तो ये पड़ा था दुपट्टा, तो मम्मी ने ये मुझे दिया था काफ़ी, 1.5 साल पहले दिया था, तो मुझे अभी ये माइंड में आया और मैंने इसके साथ ये स्टिच करवाया। तो आई थिंक किसी वीडियो में मैं जब पहनूंगी तो आप देख लोगे, अभी तो मैं नहीं पहनने का मेरा मन है। ये था मैंने जो खुद लिया है, तो सिर्फ ये मैंने लिया है, इसके अलावा मैंने कुछ और अपने लिए नहीं लिया है। नेक्स्ट कम्स टू मम्मी, मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है वो दिखाती हूँ। अच्छा, जब से मेरी शादी हुई है मैंने एक या दो बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने बेडशीट्स खुद ली है, नहीं तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे देती है बेडशीट्स। तो उन्हें पता है मुझे ये प्रिंट पसंद है, वाइट लाइट कलर पसंद है, तो ये वाइट, इस पर पिंक फ्लावर्स हैं, तो ये बेडशीट है, ये मम्मी ने दी है। और उसके बाद मम्मी ने दिया है मुझे एक और सूट, ये भी सेम मैंने ऐसे स्टिच करवाया है, क्योंकि मेरी मम्मी स्टिच कर देती हैं तो उन्होंने स्टिच करा था। तो ये है, दिस इज़ दुपट्टा, ये दुपट्टा है बहुत प्यारा, आई थिंक इसमें ये कलर इतना जस्टिस नहीं कर रहा, इट्स लाइट बेबी पिंक कलर। तो ये लेस है इस पर, ये थोड़ा थोड़ा वर्क है, ये प्योर में है सूट। और इसके साथ कमीज है प्लेन, इसको अभी मैंने ऐसे रखा हुआ है जब से आई हूँ, टाइम नहीं लगा मेरा सेटिंग करने का। तो इसके साथ ये कमीज़ है प्लेन, और इसके नीचे बस ये टिशू सी कुछ लेस लगी है, तो इट्स लॉन्ग कमीज। और इसके साथ प्लाजो है अगेन, तो प्लाजो भी वैसे ही है जैसे सेम दुपट्टा है। तो ये है, मम्मी ने दिया है मुझे। और क्या है, हाँ, और मम्मी ने हमेशा जैसे अचार इतना सारा भेजा है मुझे, घी लेके आई हूँ। तो ये जो एक नेक्स्ट बैग है जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैंने एयरपोर्ट एक ट्रैवल व्लॉग में ये मैंने लेके जा रही थी, और इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी जनों का मैसेज आया कि ये बैग कहाँ से है, ये बहुत बड़ा बैग है, काफ़ी स्पेशियस है, तो इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। ये मेरे मामा ने भेजा है यूके से, तो इसमें ये, इसमें बड़ा सा ये बैग भी है। तो मैं सरोजनी नगर गई थी तो मैंने ये कैरी करा था, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है, इट्स अ वेरी बिग बैग, बहुत अच्छा बैग है, काफ़ी स्पेशियस है ये है। और काफ़ी सारे ये भी पेपर दिए इसमें थे। और
उसके बाद हाँ एक और हील्स भी मम्मी ने दी हैं, ये वाली वेजिस हैं, काफ़ी ज़्यादा हील्स हैं ये, बट बहुत लाइट वेट है, सिल्वर कलर की ये है। देन कम्स टू मेरे ब्रदर की गिफ्ट क्या है, वो लेके आया है मेरे लिए स्कर्ट, ये वाली स्कर्ट है, इट्स लाइक स्पोर्ट्स वेयर है और कैजुअल भी आप पहन सकते हो, बहुत प्यारी स्कर्ट है ये। और उसके बाद उसे पता है मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, वर्कआउट बहुत करती हूँ, तो वो मेरे लिए टी शर्ट लेके आया है जिम वेयर। देन साथ में एक ये है जिम वेयर लेगिंग्स एडिडास की ये है, और साथ में शायद अपने वीडियो ब्लॉग में या फोटोज़ में अगर आप इंस्टा पे तो देखा भी होगा, ये शूज़ वो लेके आया है, तो जिस दिन से उसने मेरे को दिए हैं मैं रेगुलरली यही पहन रही हूँ। आई थिंक अब तो ये 15-20 बार मैंने पहन लिया ये शूज़ ये है। उसके बाद वो लेके आया है ये बैग, स्लिंग बैग बाय गेस, तो ये बैग भी मैं काफ़ी कैरी कर रही हूँ, छोटा सा है, क्यूट सा है, बहुत प्यारा बैग है ये, और वैसे फीलिंग्स जुड़ जाती है जब आपका कोई स्पेशल आपका ब्रदर ये दे गिफ्ट ये है। सो उसके बाद उसने लेके आया है मेरे लिए ये फाउंडेशन बाय फेंटी ब्यूटी, जो कि अभी इंडिया में नहीं है, तो उसने मेरे को कॉल करके बोला था, सेफोरा में था, कि कौन सा शेड चाहिए, तो मैंने जैसे व्लॉग्स वीडियो देखी थी किसी की, तो उन्होंने वो मेरा सिमिलर स्किन टोन था तो वो मैंने मेंशन करा, बट अभी मैंने जब ट्राई करा तो थोड़ा सा डार्क है ये, बट इट्स ओके, आई कैन मिक्स एंड मैच किसी के साथ कर सकती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये शेड है 310, ऐसे लग रहा है थोड़ा येलो टोन में है ये शेड, माय गॉड, ये थोड़ा सा ही ज़रूरत पड़ती है आपको, तो ये है, सॉरी ओके। और उसके बाद वो लेके आया है मेरे लिए अनदर मेकअप, ये है इसमें सेफोरा का लिप शेड है, ये मैंने अभी यूज़ नहीं करा है, ये है शेड इसका सेफोरा रूज मैट, सेफोरा M15, या इट्स लाइक अ मैट शेड, चेरी रेडिश मरून काइंड ऑफ ये शेड है, वो है। और उसके बाद वो लेके आया है ब्रॉन्जर मेरे लिए, उसको पता नहीं है बट स्टिल वो लेके आया है काफ़ी, तो आई रियली अप्रिशिएट, तो NYC का ये ब्रॉन्जर है, हाइलाइटर है, इसमें मिक्स है, ऑल इन वन है ये है। उसके बाद ये आई शेडो किट लेके आया अगेन, इसमें सारे यू नो आई शेडो हैं प्लस प्राइमर बेस है, जेल लाइनर है, इल्यूमिनेटर है, हाइलाइटर है, कॉन्टोर है, सब कुछ है इसमें, देख सकते हो NYC का है ये भी, तो ये है। और मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, ओके सो एंड दीपक के लिए वो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स वेयर लेके आया है, वॉच लेके आया है, तो वो तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। देन परफ्यूम है एक, देन अगेन एक लिप ग्लॉस है, ये बहुत प्यारा लिप ग्लॉस है, और एक दिन मैंने ये लगाया था, लाइक काफ़ी अच्छी शाइन और काफ़ी टाइम तक ये रहता है लिप ग्लॉस बाय NYC न्यूयॉर्क कलर्स, या वो है। और देन ऑल्सो मम्मी ने लिपस्टिक्स दी थी, ये भी किसी कहीं UK की है शायद, तो ये है, मैंने यूज़ करी हुई है, सॉरी, जब कुछ मेकअप मिलता है तो मैं ट्राई करती हूँ, ये फोशिया पिंक कलर है, ये सेमी मैट का शेड है। देन अगेन ये न्यूड शेड है, ये है, और ये भी मैंने पंजाब से ली थी, और ये है। और साथ में तब जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली में दीपक के मासी रहते हैं, उन्होंने मुझे ये गोल्ड इयररिंग्स दिए थे, मैंने पहले भी शेयर करा था साथ में। एंड सिस्टर इन लॉ ने ये परफ्यूम दिया है साथ में, इत्र अत्र जो भी बोलते हैं वो है, और दीपक के लिए आफ्टर शेव था, तो ये था। और सो दैट्स प्रिटी मच जो मेरा गिफ्ट है जो मैंने खुद लिया है, खुद तो बहुत कम लिया है, इतने सारे गिफ्ट मिल गए हैं, तो ये है मेरा हॉल, या दैट्स व्हाट वी कैन कॉल इट, हॉल है ये। उसके बाद जब दिल्ली में मैंने थोड़ी अपने लिए शॉपिंग करी है वो शेयर करूँगी जल्दी ही।
तो साथ में मम्मी ऑफ कोर्स ये भेजती हैं, बहुत सारा घी भेजा है जो कि मैंने फ्रीजर में जो कि मैंने फ्रिज में रखा है। नींबू का अचार है, अगेन आम का अचार है, मिक्स अचार है, ये प्रॉपर आम का अचार है। तो अचार मैं क्यों लेके आती हूँ, क्योंकि दीपक को इतना पसंद है मम्मी के हाथ का, तो वो उसके अलावा कोई और नहीं खाते, तो मम्मी जब भी भेजती हैं दीपक के लिए ज़्यादा होता है। दीपक ये किसी से शेयर भी नहीं करते हैं, दैट्स अ सीक्रेट। और ये हमारा काफ़ी टाइम चल जाएगा अचार ये वाला। सो ये था मेरा सामान जो पंजाब से लेके आई हूँ, एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा लगा होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट लाइक श्योर एंड सब्सक्राइब बटन सो दैट आई कैन कम विद मोर वीडियोज। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी। बाय, लव यू ऑल।